हमारा बनियापुर थाना से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे ससुर के साइड से मिले हुए हैं। समस्या किस तरह का है? लव मैरिज शादी है हमारा, मतलब ऐसा है कि हमारा 4 साल से लड़का के साथ से रिलेशनशिप था। उसके बाद मेरे घर वाले हर एक लोग जानते थे कि लड़का लड़की में संबंध है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि लड़का लड़की मतलब संबंध भी बन चुका है। तो उसके बाद अब लड़का जो है शादी के लिए सीधे मुकर रहा है। मंत्री नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे। देखिए, राज्य कार्यालय में जनता दरबार लगा था। आज मंत्री शहनवाज और सुरेंद्र यादव यहाँ पे आए हुए थे, फरियादी अपनी फरियाद लेके आते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जो उनका निपटारा होना होता है वो मंत्री या तो वहीं पे करते हैं या फिर उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपका जो काम है वो किस तरीके से आगे किया जाएगा। बहुत सारे फरियादी जनता दरबार में पहुंचते हैं, सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फरियाद लेके आए थे, क्या मंत्री जी से मुलाकात हुई या नहीं हुई और क्या क्या बातें हुई। फरियादी हैं आप लोग? नहीं नहीं, हो गया हम लोग। क्या अभी मतलब क्या फरियाद लेके आए थे? यही फरियाद लेके, इनका बात है, इनका बात है, क्या फरियाद? अरे बताए हैं सर के, बताइए, घर के हिस्सा है, हमारे बाप की जमीन था जी, हमको चाचे के लड़का अत्याचार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सुखी संसार, हमारे भाई मजदूरी वाले हैं, ले करके रहें खाएं, हमारे घर से इसको निकाल दीजिएगा। तो मंत्री जी से मिले, बातचीत हुई? हाँ, तो बात हुई ना, बोले कि आपसे मिल लिए हैं। तब बोल रहे कि आपसे बोलिए बोलिए, तो आप तो बोल ही रहे हैं, अब कितना बोले। क्या बोले मंत्री जी, आश्वासन दिए कुछ निपटारा? हाँ, बोले हैं कि हो जाएगा, जाइएगा अंचल अंधारी से मिलिएगा, तो जाएंगे तो मिलेंगे। संतुष्ट हैं जो बोले मंत्री जी? हाँ हाँ, विश्वास से पनहिया पर आए थे। कहाँ से आए हैं आप? बक्सर जिला, बक्सर जिला है, डुमराव थाना है, अनिया भोजपुर से आ रहे हैं। तो बक्सर से फरियाद लेके जनता दरबार में पहुंचे? हाँ, सब हो गया। हाँ, नहीं होता है इनका, इनका कोई सुनवाई नहीं होता है। आप इन्हीं के साथ हैं? नहीं, हम दूसरा जगह के हैं जी। साथ कोई लोग दे रहा है, 2-4 आदमी है तो साथ दे रहा है। हम गरीब हैं तो हमको भगवान साथ देंगे, हमको यहाँ पर चाचा लोग साथ हमको देंगे, इसीलिए हम इस लोग से मिलने आए हैं, बात यही है। आपका क्या फरियाद था, क्या लेके आए थे? साथ में आए थे, तो लगा कि मतलब मंत्री जी से बातचीत हुई तो आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, बोले हैं कि काम हो जाएगा, कुछ इंदिरावास के पैसा भी बोले हैं इनके नाम से कि आपको नाम से कुछ पैसा है, 4.5 लाख रुपया मिलेगा। इंदिरावास अलॉट हो गया है इनको? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो लिख के दिए हैं, अभी जाएंगे वहाँ बोलेंगे तो इनका मिलेगा पैसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फरियादी फरियाद लेके आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे, मंत्री जी से आश्वासन मिला है और जो भी इनका काम है, साथ ही साथ मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो इंदिरा आवास का पैसा है वो इनको पैसा दिया जाएगा, और भी फरियादियों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याओं को लेके आए थे और क्या निपटारा हुआ है या नहीं हुआ है। क्या फरियाद लेके आए थे आज आप यहाँ पे जनता दरबार में? हम लेके आए हुए थे, हम बनियापुर थाना से आए हुए हैं, हमारा नाम सोनम चौधरी है, उर्फ नूरी खातून है, घर कराह पड़ता है और ससुराल भूमियारा है, और लड़का का नाम प्रिंस कुमार चौधरी है, उनके पिताजी का नाम सतीश चौधरी है। तो हमारा बनियापुर थाना से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे ससुर के साइड से मिले हुए हैं। समस्या किस तरह का है? लव मैरिज शादी है जी, और अंतर धर्म शादी है, मान लीजिए हम मुसलमान हैं और लड़का हिंदू है। शादी का हम लोग का 8 साल हो गया है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हम घर पे रहने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट किया जाता है और जान से मारने का धमकी दिया जाता है, और हम पे जब से ये केस का मामला चल रहा है तब से हम पे 4 बार अटैक हो चुका है, और हम जब थाना में जाते हैं हमारा आवेदन लेने के लिए जब हम बोलते हैं तो हमारा केस नहीं लिखा जाता है, और बोलते हैं कि हम थाना प्रभारी बोले थे कि बुला के समझा देंगे, तो वहाँ पे जो समझाने के लिए मतलब हमारे ससुर के साइड से जो लोग आए हुए थे, रविंदर सिंह भी आए हुए थे, एक थे, एक ओम प्रकाश पांडे थे, 2 आदमी और था, तो वो बोल रहे थे कि हम जनार्दन सिग्रवाल जी के पैरवी के मतलब उनके तरफ से हम आए हुए हैं, हम उनके भतीजा हैं, इसलिए हम इनके तरफ से पैरवी कर रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पे कोई केस नहीं लिया जाएगा। मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला आपको? मंत्री जी से आश्वासन मिला है कि आपको हर मतलब जो न्याय है, जो आपका रहने का है, वो आपको रहने का दिलवाया जाएगा, मतलब घर में है या तो उनको रखना पड़ेगा या उनको जो हक हिस्सा है वो देना पड़ेगा। तो मंत्री जी ने हुआ है, हाँ हाँ, वो आपको क्या बोलते हैं? वो हमारे साथ में है, सपोर्ट में है हमारे, हाँ वो परिवार वाला आपके सपोर्ट? हाँ, हमारे ससुर नहीं है और मौसी के लड़के हैं सुमंत सिंह, वो नहीं है, और उनके साथ ही जो 2-4 आदमी हैं वो लोग नहीं। मंत्री ने जो आश्वासन दिया, भरोसा है कि मतलब काम होगा? हाँ, पहले भी हम आए हुए थे, ये दूसरी बार आए हुए हैं हम, ये तो पहले भी वो बोले थे जो कार्रवाई किए हुए थे, और इस बार भी बोले हैं तो कार्रवाई करेंगे, कल बुलाए हैं मतलब बंगला पे।
पहले तो पति हमारे बाहर रहते हैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, एक्सीडेंट हुआ है तब से अभी घर पे ही हैं। हाँ ज्यादा नहीं लेंगे? नहीं नहीं अच्छा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्या फरियाद लेके आए थे आप? ये मेरा नाम मीसा कुमारी है और ये मैं संदेश थाना से हूँ और ये जिला मेरा आरा पलेगा, ठीक है। तो हमारा मतलब ऐसा है कि हमारा 4 साल से लड़का के साथ से रिलेशनशिप था, उसके बाद मेरे घर वाले हर एक लोग जानते थे कि लड़का लड़की में संबंध है, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि लड़का लड़की मतलब संबंध भी बन चुका है। तो उसके बाद अब लड़का जो है शादी के लिए सीधे मुकर रहा है। तो मंत्री जी जो आश्वासन दिया, लगता है कि काम हो जाएगा? मतलब कि ये मंत्री जी से हमको ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा, क्योंकि महिला थाने में भी हम गए थे, हर एक जगह गए थे, तो महिला थाना वाली सीधे बोली है कि मतलब कि जाओ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई चीज़ में कार्रवाई नहीं है। बस हम इतना ही कह रहे हैं कि फिर से कार्रवाई हो, कैसे भी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये गाँव घर की लड़की का बेटी का इज्जत उछाला गया है। देखिए उन लोग का कहा नाम है कि लड़की फ्रॉड है, लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लड़का भी अभी चुप है, पता नहीं क्यों किस दबाव में चुप है, और लड़का को हटा दिया गया है। बस हमारा यही कहना है कि इसका छानबीन हो, अगर हम गलत हैं तो सचमुच गलत साबित करें, ऐसा हो रहा है। तो देखिए किस तरह से तमाम जो फरियादी अपनी फरियाद को लेके जनता दरबार में यानी कि राजद कार्यालय में पहुंचे, ये कार्यालय का सीन आप देख सकते हैं कि सारे तमाम जो फरियादी हैं वो अपनी फरियाद को लेके यहाँ पे मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं। जो मंत्री यहाँ पे पहुँचते हैं, आज मंत्री यहाँ पे सुरेंद्र यादव और शहनवाज यहाँ पे आए हुए थे, जो लोग जो फरियादी हैं उनकी फरियाद को सुनने के लिए, उन्हें आश्वासन देते हैं और देखते हैं। तमाम फरियादियों से हमने बातचीत की, सब ने अपना अपना दुख बताया, कोई बक्सर से आया तो कोई कहीं से आया है, सब अपने आरा से आया है, तो सब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आते हैं और मंत्री जी उसका निपटारा करते हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।